मा जी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये पीएचई वाले आते हैं इस खड्डे को खोदते हैं, ये बार बार खराब होता है, इस खड्डे को खोदते हैं बार बार और इसको रस्सी और सिक्का लगाते हैं और उसके बाद ये बंद कर देते हैं, उसके एक 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद। ये बड़ा पुराना मसला है, ये 20-25 साल हो गए इसको, बड़ा पुराना मसला है ये। और मेन हनुमान मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर के सामने ये जीएमसी वालों ने भी फ्रिज लगाया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, फ्रिज लगाया हुआ है, अच्छी बात है, लोग पानी पीते हैं, पुण्य वाला काम है, लेकिन उसका एक बंदोबस्त होना चाहिए। बार बार ओवरफ्लो होता है, मेन जो बड़ी पाइप है ना, जो सप्लाई वाली पाइप, उससे कनेक्शन दिया हुआ है, वो भी ठीक नहीं है, वो 5-6 घंटे पानी चलता रहता है, जब ओवरफ्लो होता है तो ये सारा पानी रोड पे आता है। आज लुक डालेंगे तो दूसरे दिन ये रोड खराब हो जाएगी, पानी के मतलब पानी तो मतलब लुक को ठहरने नहीं देता है, तो इस वजह यही है। मेन मंदिर जो इतना टूरिस्ट आता है यहाँ पे, ये बागे बहू मेन चौक है, इतना टूरिस्ट आता है कि मतलब क्या देखेगा यहाँ पे टूरिस्ट, क्या देखेगा, ये पानी, ये देखो। और मैं पीएचई वालों से ये कहना चाहता हूँ, प्राय मेहरबानी करके ये इसको परमानेंट इसका इलाज किया जाए, इसका जोड़ खत्म किया जाए, इसको इसका जोड़। देखो ये 1984 में, ये 85 में ये कॉलोनी बनी थी, जब कॉलोनी जेडीए ने ये बनाई थी, जो उस समय नालियां और गलियां जो बनी थी और जो पोल लगे थे, ये वहां के वैसे ही हैं। इस पे ना कोई रिपेयर की गई है और ना ही नए तरीके से कोई बनाया गया। आप देख सकते हैं कि ये सारी नालियां बंद पड़ी हुई हैं, ये किसने खोलनी है, ये तो म्युनिसिपैलिटी का है ना, जो हमारा नुमाइंदा है। देखो जब भी हम जाते हैं वो बोलते हैं जी हम करेंगे जी करेंगे जी, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। हमारा सरकार से ये कहना है कि हमारा रूपनगर को अगर आपने पॉश कॉलोनी का दर्जा दिया है, सीधा से सीधा हम ये कहेंगे कि हमें अगर आपने पॉश कॉलोनी का दर्जा दिया है तो वैसी ही फैसिलिटी हमें यहाँ दी जाए, गली प्रॉपर तैयार की जाए, उसका निकासी का रास्ता निकाला जाए और रोड्स गली जो है अंदर इन बाय लेन्स हैं वो बनाया जाए। और जो म्युनिसिपैलिटी ने अभी ये काम लगाया है मेन रोड पे, जो लाइट्स का, लाइट्स के पोल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वहां पे लाइट के कनेक्शन या लाइट के बल्ब नहीं लगाए गए हैं। हमारे सरकार से निवेदन है, हमारे जो मेयर साहब हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया इस कॉलोनी पे तवज्जो दे, क्योंकि ये अब आपके अंडर म्युनिसिपैलिटी के अंडर आई है। धन्यवाद।